ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि कमजोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें, लेकिन अगर आपको भूतिया कहानियां अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं एक नई और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। बस नंबर 312। 1992 की ये घटना जयपुर के एक छोटे गांव की है। देर रात एक बूढ़ी औरत और एक जवान लड़का बस स्टैंड में जयपुर जाने वाली बस का इंतजार कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, इसीलिए दोनों खामोश थे। हमेशा जयपुर जाने वाली बस का नंबर होता था 266, पर उस दिन जो बस आई उसका नंबर था 312। ये एक पुरानी बस थी। बस के रुकते ही कंडक्टर ने दरवाज़ा खोला और बोला, ये बस जयपुर जाएगी। फिर वो बूढ़ी औरत और वो जवान लड़का उस बस में चढ़ गए। बस में पहले से दो पैसेंजर्स बैठे थे। बूढ़ी औरत वहीं नज़दीक में जाकर बैठ गई और वो लड़का भी पीछे जाकर बैठ गया, और फिर वहां से सफ़र शुरू हुआ और वो बस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगी। अभी कुछ ही देर हुई थी कि वो बूढ़ी औरत रोने और चिल्लाने लगी। चीखते हुए उसने कहा कि उस लड़के ने उसका पर्स चुराया है, और उस बूढ़ी औरत ने गुस्से से उस लड़के का हाथ पकड़ा और कंडक्टर से कहा कि बस रोके। बस के रुकते ही उस बूढ़ी औरत ने उस लड़के का हाथ खींचकर बस से नीचे उतर गई। उनके बस से उतरते ही वो बस वहां से चली गई। बस के जाते ही वो बूढ़ी औरत बोली, बेटा घबराओ मत, ये सब मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए किया, नहीं तो हम दोनों मारे जाते। क्योंकि जिन दो लोगों के पास मैं बैठी थी वो इंसान नहीं थे, कोई पिशाच थे, क्योंकि उनके पैर उल्टे थे, यानी पीछे की ओर मुड़े हुए थे। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर वो लड़का पहले तो चौंका, फिर डरने के बजाय अजीब तरह से हंसने लगा और बोला, क्या उनके पैर मेरी तरह थे? बूढ़ी औरत ने उस लड़के के पैरों की ओर देखा तो उसके होश उड़ गए। उस लड़के के पैर भी पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, और फिर वो लड़का हंसते हंसते हवा में गायब हो गया। ये भयानक मंजर देखकर वो बूढ़ी औरत बेहोश होकर वहीं पे गिर गई। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो चैनल में जाके दूसरी और कहानियों को जरूर सुने। इस चैनल में ढेरों दिलचस्प कहानियां हैं।